पर यहाँ पर आसपास आप देख सकते हैं रेड लाइट पर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है आसपास। रात के 12 बज रहे हैं और नजर आप देखिए दिल्ली की नाइट का। अभी हम किसी मेट्रो स्टेशन के नीचे ब्रिज के नीचे ये छोटे छोटे बच्चे मेरे को मिल गए थे। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बॉन फायर हो रहा है शानदार। हेलो नमस्कार, मैं आपका दोस्त बीएल विष्णु यात्रा गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों। और अभी मैं निकल चुका हूँ दिल्ली की गलियों के ऊपर और इन सड़कों के ऊपर हम नाइट जो लाइफ है वो एक्सप्लोर करेंगे। और आसपास आप देख सकते हैं अभी टाइम दोस्तों हो चुका है रात का 12 बजे और यह है नज़ारा। देखिए आसपास अभी भी यहाँ पर लोग आसपास जो है वो खाने के रेस्टोरेंट वगैरह सारे खुले हैं। यहाँ पर आसपास जो है वो यहाँ पर आर के आश्रम करके मेट्रो स्टेशन पड़ता है नज़दीक, तो यहाँ पर यात्री आते जाते रहते हैं नाइट में भी। यहाँ पर ये देखिए चाचा जी इधर अंडे भी लेके खड़े हैं। तो यह है दोस्तों नाइट का नज़ारा। हम एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों दिल्ली की नाइट लाइफ को और आसपास की यहाँ पर किस प्रकार की ज़िंदगी है, किस प्रकार से लोग यहाँ पर जाग के काम करते हैं। कहा जाता है कि दोस्तों मुंबई और दिल्ली दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये लोग रात को भी जागते हैं ना, मुंबई और दिल्ली रात को भी जागती है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। रात को 12 बजे निकल चुके हैं, अब सड़कों के ऊपर काफ़ी ठंड है, हाथ बिल्कुल एकदम सुन्न होने लग रहे हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा ठंड है। चलिए चलते हैं दोस्तों। अभी रात के 12 बज रहे हैं और नज़र आप देखिए दिल्ली की नाइट का। अभी हम किसी मेट्रो स्टेशन के नीचे ब्रिज के नीचे ये छोटे छोटे बच्चे मेरे को मिल गए थे। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बॉन फायर हो रहा है शानदार। और सर्दियों की रात और इस प्रकार से सड़क के किनारे दोस्तों बॉन फायर हो रहा है ना, तप रहे हैं छोटे छोटे हमारे साथ ये इस प्रकार से। तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है इसलिए थोड़ा मैंने कहा कि हम भी थोड़ा सा इस प्रकार से हाथ वात को सेक लें। और रात को 12 बजे भी देखिए दोस्तों दिल्ली सोई नहीं है, दिल्ली और मुंबई ऐसा कहा जाता है कि रात को भी जागती है ना। तो गुड़िया रात को भी ऐसे भीड़ रहती है ना, फुल भीड़ रहेगी। आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र से। अच्छा, तो ये बच्चे दोस्तों जो है वो महाराष्ट्र से है और बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। तो मज़ा आ गया, बहुत ही शानदार छोटे छोटे बच्चे हैं। एक ये देखो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ये देखिए इस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हो रही है बॉन फायर। इसके अंदर कुछ डाल और है नहीं क्या, लकड़ी खत्म हो गई, ओहो धुआं हो गया। ये देखिए ये इस प्रकार से कपड़े जला रहे हैं। ये कपड़े कहाँ से लाए आप लोग ऐसे सड़क किनारे? अच्छा चुन चुन के लाए हैं। अच्छा अच्छा आपका क्या नाम है गुड़िया? अच्छा दोस्तों आग जो है वो बुझ गई है, बहुत ही ज़्यादा धुआं हो गया है, आग जलने लग रही है। और मैं अभी हूँ फिलहाल पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर आसपास आप देख सकते हैं रेड लाइट पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। आसपास आप चारों तरफ देख सकते हैं, इधर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और इधर से मैं आपको दिखाऊँ तो उधर से देखिए वो पॉइंट खुला है अभी, तो वो रवाना हुआ। ये कौन सी जगह है बेटा? रामाकृष्ण मेट्रो स्टेशन है दोस्तों। तो ये है आर के आश्रम। ऐसे तैसे करके फिर से आग जला ली गुड़िया ने और ये छोटू है हमारे साथ। मज़ा आ गया रात को 12 बजे इस प्रकार से है ना, आग का मज़ा इस प्रकार से दिल्ली के अंदर बहुत ही कम ही मिलता है दोस्तों। छोटू थोड़ा नीचे बैठ, कैमरा ऐसे दिख नहीं रहा है, ये देखिए। हाँ हाँ मज़ा आ गया। तो ये है भाई नाइट का एडवेंचर है ना, ऐसे हर कोई नहीं कर सकता। तो मैंने ऐसे रोड से चल रहा था, चलते चलते ये बच्चे लोग दिख गए तो मैंने कहा चलो भाई दिखाई देते हैं नज़ारा आस पास के। काफ़ी तेज आग जल रही है। हाँ हाँ तो बच्चे लोग तुम लोग स्कूल नहीं जाते ना? पढ़ते हैं। और तो तुम अब रात को अब सोओगे कहाँ? अच्छा कंबल वगैरह कुछ नहीं है आपके पास, बिस्तर भी नहीं है? अच्छा अच्छा अब रात को यहीं सोओगे इसी फुटपाथ पर ही? तो दोस्तों ये देख सकते हैं इस प्रकार से भी जिंदगी है। क्या कह रहे हैं? तो आपके मम्मी पापा किधर है बेटा? अच्छा माँ नहीं है और पापा के पैर नहीं है, मतलब हैं? अच्छा पैर खराब है। अच्छा आपकी मम्मी को बुखार चढ़ा है। और आपके बेटा क्या कह रहे हो? पापा
तबीयत खराब है। अच्छा, तो आप लोग मतलब मांगते करते हो इधर इस पॉइंट पर है ना, जैसे गाड़ियां वाड़ियां होती है तो आप लोग मतलब मांगते हो कुछ 10-20 रुपए ना। तो ये दोस्तों इस प्रकार से बच्चे मांग मांग कर अपना पेट गुजारते हैं। और ये छोटा सा बच्चा, ये आपका भाई है एक बहन है? भाई है। तुम लोग सब भाई 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 बहन ही हो क्या? महाराष्ट्र से हो है ना? मुंबई पुणे से हो? अच्छा दोस्तों, तो ये मुंबई पुणे से रात को 12 बजे दोस्तों हम बॉन फायर कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से जो होगा वो मैं इन बच्चों की अभी मदद करने वाला हूँ थोड़ी बहुत, मेरी तरफ से जितना हो सकेगा। अब काफ़ी दयनीय स्थिति है, छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्तों, मेरे को काफ़ी दया आ रही है। और एक इधर देखिए छोटा बच्चा है जो रो रहा है ना, ये जिंदगी है भाई। दोस्तों थोड़ी सी मैं आपको दिल्ली की नाइट लाइफ दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कैमरे के अंदर साफ साफ दिखे। आसपास देखिए इस प्रकार से ये लोग रहते हैं, नाइट को भी इस प्रकार से रिक्शे चल रहे हैं, आसपास ये रिक्शे वाले खड़े हैं। और आपको दिखाऊंगा कि ये जो रिक्शा चलाने वाले ये जो मजदूर लोग हैं काफ़ी मेहनत करते हैं। अब आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना, अंधेरा है इस प्रकार से सड़क के किनारे, और इस प्रकार से फुटपाथ पे भी इनको सोना पड़ता है। तो मतलब आपको इस प्रकार से दादा फुटपाथ पे सोना पड़ता है रात को है ना, और ये मच्छरदानी लगा रहे हैं। आपको थोड़ा सा अगर मैं दिखाऊँ, थोड़ी लाइट नहीं है, तो ये देखिए मच्छरदानी लगा रहे हैं। इधर ये चाचा है, इधर एक भाई साहब है, और ये अब रात को इधर फुटपाथ पे ही सोने वाले हैं मच्छरदानी लगाकर। और आसपास इन्होंने अपने ये जो रिक्शा है, ये साइकिल रिक्शा है जो खड़े कर दिए हैं। तो ये इस प्रकार से, तो चाचा दिन दिन आप ऐसे मजदूरी करते हो, रात को फुटपाथ पे सोते हो है ना? अच्छा, आप कहाँ से हो चाचा? बिहार से हो? यूपी से कहाँ से हो आप? किशनगंज। अच्छा, किशनगंज यूपी में है, बिहार में है? बिहार में है ना। तो ये देखिए चाचा यहाँ पर लगा रहे हैं दोस्तों ये मच्छरदानी। मच्छर बहुत ज्यादा है यहाँ पर है ना। तो चाचा कितने साल हो गए आप ऐसे फुटपाथ पे ही सो रहे हो? कितने साल हो गए? 15 साल हो गए आपने फुटपाथ पर अपनी जिंदगी बिता दी है। ये देखिए दोस्तों ये चाचा है हमारे पास। सर आपका नाम क्या है? कालू। कालू जी है हमारे साथ, ये जुड़े हैं दोस्तों। और आपको थोड़ा सा इधर से दिखाऊं, थोड़ी लाइट की व्यवस्था नहीं है तो, और बाकी मैं आपको शानदार दिखाता। तो यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से आशियाना लगाकर ये सो रहे हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति मेरे को देखने को मिल रही है। मैं थोड़ा सा दूर से दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये देखिए ये आसपास रिक्शे पड़े हैं, और ये जो है वो चाचा है, ये कालू जी है, इधर ये मच्छरदानी लगाकर सो रहे हैं। और सामने ये इस प्रकार से थोड़ी बहुत इस छपरे टाइप, झुग्गियों टाइप इस प्रकार से ये बनाए हुए हैं जहाँ पर भी लोग रह रहे। तो ये नाइट लाइफ है भाई दिल्ली की, इस प्रकार से स्ट्रगल भरी। देखो दो वक्त की खाने के लिए पूरे दिन ये मेहनत करते हैं, और रात को जो भी है वो खाना वाना खा के। हाँ एक और बात पूछ लेते हैं चाचा, आप लोग खाना कहाँ खाते हो? खुद ही बनाते हो, होटल पे खाते हो? अच्छा होटल पे खाते हो है ना। हाँ कितने रुपए लेते हैं आपसे होटल वाले एक टाइम का खाना? 60 रुपए एक टाइम का, और दो टाइम का 120 रुपए। मतलब होटल पे खाना हो जाता है और साइड में यहाँ सोना हो जाता है। तो ये बिस्तर वगैरह कहाँ, यहीं रहता है? अच्छा वहाँ होटल पे रखते हो सामने वाली। ये जो होटल है दोस्तों, ये चाय की खाने की होटल है ये इनके लिए, तो इस पे रख देते हैं और दिन दिन ये मजदूरी करते हैं। तो चाचा कितना कमा लेते हो दिन में, एक दिन में मजदूरी कितनी हो जाती है? हो जाता कभी नहीं होता, 500-600। कभी 500-600 ऐसे होता है ना, मतलब महीने के 10-15 हज़ार कमा लेते हो ना। लेकिन आज इस महंगाई भरे में 10-15 हज़ार से तो कुछ गुजारा भी नहीं होता है। अच्छा आपके बच्चे वगैरह भी पढ़ते होंगे? गाँव में पढ़ते हैं? अच्छा कालू जी आपकी फैमिली भी गाँव में है, यहाँ पे यही है सब गाँव में है ना। और छोटू क्या नाम है आपका? दानिश है हमारे साथ, ये छोटू भी। आप भी यहाँ काम करते हो? बाहर से हो? कहाँ से हो? अच्छा ये आप इनके साथ ही हो है ना, फैमिली से ही हो। ये जिंदगी है भाई। देखिए सड़क के किनारे दोस्तों आप देख सकते हैं कितने सारे, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कितने रिक्शे खड़े हैं। रात को 12 बजे भी रिक्शा इस प्रकार से देखिए मेहनत चल रही है, ये बाबू जी रिक्शा लगा रहे हैं। और इस सड़क के किनारे ये टोटल आपको रिक्शे ही रिक्शे नजर आएंगे है ना, टैक्सी टैक्सी नजर आएगी। तो रात को भी ये सवारी मिल जाए तो ये रिक्शे वाले एक्चुअल में क्या है कि ये रिक्शे के अंदर ही सोते हैं ना इनके, मतलब कोई ना तो कोई यहाँ पर रेंट के लिए कमरा है, कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं है। जैसा कि अभी आपने देखा वो चाचा फुटपाथ के किनारे सो रहे थे क्योंकि उनके पास साइकिल रिक्शा थी। अब ये वाले जो रिक्शा है इनके अंदर ये सो जाते हैं, तो रिक्शे इस वाले CNG वाले रिक्शे के अंदर सोने की व्यवस्था हो जाती है, तो इनके अंदर सो जाते हैं। रात को कोई अगर आता है सवारी तो ये लेके चले जाते हैं। तो ये वाली जिंदगी है भाई। तो साइकिल रिक्शा वाले फुटपाथ पे सोते हैं क्योंकि साइकिल रिक्शे के ऊपर तो सो नहीं पाते, CNG वाले CNG के अंदर सो जाते हैं। और तो आप मेरे पास आसपास ये देखिए टोटल रिक्शा ही रिक्शा है, काफ़ी धुंध हो गई है, काफ़ी कोहरा हो रहा है आसपास, और हाथ काफ़ी ऐसे ठंड से कांपने भी लग रहे हैं। और ये इधर देखिए छोटी सी स्टॉल है जो अभी भी खुली है ना,
इतनी देर रात को भी इस प्रकार से खुले रहते हैं। तो ये भाई इस प्रकार की जिंदगी केवल और केवल यात्रा गुरुजी इस यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी, है ना। एकमात्र यूट्यूब इतिहास में ऐसा कंटेंट और ऐसी जिंदगी दिखाने वाला एकमात्र चैनल है दोस्तों। चाहे आप सर्च भी कर लेना, मुझे तो नहीं मिला, आपको मिले तो मुझे लिंक ज़रूर सेंड करना। और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कैसी ज़िंदगी है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। कितनी स्ट्रगल भरी लाइफ है, हम कैसे जीते हैं और ये लोग कैसे जीते हैं, तो ये चीज़ है भाई। आगे और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये दिल्ली नाइट लाइफ का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। और इसी प्रकार का कंटेंट अपनी यात्रा गुरुजी लाते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।